मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य शिक्षक श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय है तनाव से कैसे बचें और तनाव पर उपाय। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पा जी हरवाणी। मैम, हमारी बातचीत में एक शब्द आपने प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह बताई थी, तो हमारे एक श्रोता का ये पूछना था कि मैं जिस जगह पर काम करता हूँ वहाँ पर कुछ लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं। जी देखते ही ये ऐसा लगता है इनसे बात नहीं करनी है, पर मजबूरन उनके साथ मुझे काम करना पड़ता है। और अक्सर इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो निगेटिव वृत्ति के होते हैं, जी कि नकारात्मकता का वातावरण बनाते हैं। जी तो ऐसे वातावरण में ऐसे लोगों के साथ मैं काम कैसे करूं और मेरी पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे? देखिए, जनरली ये होता है कि आप खुद को ही बदल पाएंगे, दूसरे लोगों को नहीं बदल पाएंगे। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें तो चीज़ें इजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ और स्टिल वो पर्सन मेरे लिए निगेटिव बोल रहा है या मेरे साथ में निगेटिव बोल रहा है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस चीज़ों को कैसी ले रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, तो बदले में लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए या पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे या लोगों से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करेंगे तो लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे। मैं उससे मिलता जुलता एक हमारे पर्सनल एक दूसरा सवाल, मैं अगर आप अनुमति दें तो बता दूं। जी जी बिल्कुल तो हमारे पास में एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं पार्टी में बहुत अच्छे से मेरे फ्रेंड्स के साथ में गई हूँ, काफ़ी बनठन के गई हूँ, काफ़ी तैरी के साथ में गई हूँ, पर हुआ यह है कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो मेरे साथ में बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ में मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ हद तक मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। और मेरी जो फ्रेंड थी जो मेरे से शायद कम दिखने में अच्छी हो, जो अच्छे से ड्रेसअप नहीं की हो, उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा हूँ तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो इसमें मैं अपने को तनावग्रस्त महसूस कर रही हूँ। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये ऐसा है कि पहले तो अगर आप ड्रेसअप हुए हैं तो ये बताइए कि आप किसके लिए ड्रेसअप हुए हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए ड्रेसअप हुए हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, या आप खुद को ये बताना चाहते हैं कि आप वाकई बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये एक फैक्टर होता है कि हम कंपेयर करते हैं खुद को कि मैं सामने वाले से सुंदर दिखूं, मैं सामने वाले से स्मार्ट दिखूं, ना कि हमें ये लगता है कि मैं खुद ही बहुत स्मार्ट और हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखूं। कंपैरिजन जो रहती है वो बहुत ही बुरी चीज़, बुरा रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर पार्लर्स में भी जाते हैं तो लोग ये है कि मुझे ज़्यादा सुंदर दिखना है, मेरा गेटअप, मेरा हेयर स्टाइल दूसरों से ज़्यादा और स्टाइलिश होना चाहिए। मेरी साड़ी तो दूस हाँ, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बिल्कुल सफेद क्यों? बिल्कुल, ये तो ये खुद ये यहाँ ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप खुद के लिए करिए, दूसरों से कंपेयर करने में आपका कभी फायदा नहीं होने वाला है। और अगर लोग आपको इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है। शायद उन्होंने जानबूझकर निग्लेक्ट किया हो या नहीं भी किया हो, उनके माइंड से स्किप हो गया हो आपसे इंटरैक्ट करना। दैट डज नॉट मीन कि वो आपको चाहते नहीं है या आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब आपकी सोच है, ये आप खुद के माइंड में ही खुद का जो पुलाव है वो पका रहे हैं कि ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं तो मेरे में ही कुछ गलती हुई होगी, या मैं कुछ बुरी देख रही हूँ इसीलिए मुझसे इंटरेक्ट करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। रीजंस बहुत हो सकते हैं, बट आप अगर खुल के बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस वहीं तक लिमिटेशन होना चाहिए। सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उनका इंटरेक्शन कैसा है, यहाँ आपका सोच नहीं जाना चाहिए। जहाँ आप ये सोचने लगे तो आप में स्ट्रेस डेवलप होगा, फिर एक थॉट अगेन दूसरे थॉट से कनेक्ट होगा और ऐसे चेन ऑफ थॉट्स कनेक्ट होंगे जिससे एक जी, मैं आपकी बात नेगेटिविटी से डेवलप समझ रहा होगी। हूँ कि आप अपना काम कीजिए, आप अपनी खूबसूरती, अपना जी ड्रेसअप बिल्कुल बरकरार बिल्कुल रखिए और लोगों के अप्रिसिएशन पर आप निर्भर मत रहिए बिल्कुल कि वो आपसे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। तो मैं घूम फिर के बात तो आती कि जब हम सोशल हैं, सामाजिक हैं, तो हमारा बहुत सारा काम लोगों के वास्ते होता है, समाज के वास्ते होता जी है, कि हम काम भी करते हैं, ये लगता है कहीं से हमको समाज से मान्यता मिलनी चाहिए, उनसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और अगर वो जिस तरह से इन्होंने हमसे पूछा है, हमारे दर्शकों ने, कि अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं तो मन अस्वस्थ और स्ट्रेस तो आता ही है ना। जी अब ये है कि आपका मोटिव क्या है, आप काम किसके लिए। अगर आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं तो क्या आप वाकई कुछ सोशल करना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर आप
को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपका सोशल वर्क वर्दी है, अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपने जितनी भी मेहनत की है, अपना जितना डेडिकेशन दिया है वो वर्थलेस हो गया, ये ऐसे ही कंसिडर हो रहा है, राइट? मतलब ये हुआ कि हम सोशल वर्क के लिए नहीं, हम इन जब जनरल अगर वो ड्रेसअप हो रही है तो वो तो खुद के लिए तो नहीं ना, वो तो लोगों को दिखाने के लिए, वहां से अप्रिसिएशन के लिए हो रही है। वही मेरा बोलना है कि दूसरों के ऊपर हम लोग क्यों डिपेंड हैं, हमारी हैप्पीनेस दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंड है, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के, जैसे टीवी चल रही है जो मन में आए चैनल स्टार प्लस लगा लिया, सोनी लगा लिया, अब ये हुआ कि ड्रेस अच्छी पहन के गए तो किसी ने अप्रिशिएट कर दिया तो आप हैप्पी हैप्पी हो गए, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो आप सैड सैड हो गए। अब ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल तो सबके हाथ में दे रखा है कि खुद जो को छोड़कर चैनल, हाँ जो चैनल आप चलाना चाहेंगे वो चैनल में हम हैप्पी रहेंगे, हैप्पी वाला चैनल चलाएंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, सैड वाला चलाएंगे तो सैड रहेंगे। बेसिक प्रॉब्लम ही यही है कि दूसरों के ऊपर हमारी सेल्फ हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड कर गई है, खुद के लिए तो हम जी ही नहीं रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, वैल्यू देंगे या नहीं देंगे, कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये डायलेमा क्यों है? आप खुद के साथ रहिए, खुद का परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, खुद के लिए जिए, ये चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखनी चाहिए रादर देन कि लोग क्या सोच रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को वैल्यू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वैल्यू करेंगे। अदरवाइज ये होगा कि दूसरों की डिपेंडेंसी पे ना आप खुद खुश कर रह पाएंगे और ना दूसरों को खुश कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, वर्क अफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली फिर एक चर्चा का विषय आप खुद ही खुद को बना रहे। हमारी एक शिक्षिका का प्रश्न आया, उन्होंने ये कहा कि मैं जो अपना पढ़ाने का काम है बहुत अच्छे से करती हूँ, छात्र मुझसे काफ़ी खुश हैं, पेरेंट्स मुझसे काफ़ी खुश हैं, और पिछले 3 वर्षों का अगर मैं लेखा जोखा देखती हूँ तो मुझे जो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। मेरे साथ वाली जो शिक्षिका है जिसमें मेरे से कम जो पोटेंशियल है, टैलेंट है, कम है, मेहनत कम है, और उसे किसी कारण से, चाहे संस्था के मैनेजमेंट का उसको फेवर हो किसी तरह, किसी भी कारण से उसे मिला जा रहा है, तो मुझे अब ये लगने लगा कि कमी मेरे अंदर तो नहीं है, तो मैं अंदर अंदर अपने अंदर दोष ढूंढती हूँ, अपने को दोष देने का मेरा स्वभाव वृत्ति बनती जा रही है, ये कहाँ तक सही है? सेल्फ ब्लेमिंग एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे कंसिडर हमको करना चाहिए। ये होता है कि जस्ट बिकॉज कि 4 लोगों से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो हम खुद को वर्थलेस कंसिडर करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कुछ कमी है। पर अगर आप उतने डेडिकेशन और लगन से काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका फ्रूट मिलना ही है, क्योंकि कैपेबिलिटी में कमी नहीं है। सिर्फ 4 लोग अगर आपको अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को ब्लेम करने रह जाएं और सोचें कि कहाँ मेरी गलती हुई है, जबकि गलती नहीं रहती है और आप खोजने में कोशिश करते हैं। इससे ये होगा कि फिर से घूम फिर कर बात वहीं आती है कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपका वर्क अफेक्ट होगा। तो खुद को वर्थलेस कंसिडर करने से पहले आप ये सोचिए कि आप में कहाँ कमी रह गई है। अगर आप ये देखते हैं और आपको कोई कमी नहीं मिलती है, पर इनके तो वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो अप्रिशिएट कर ही जी रहे हैं ना, बिल्कुल तो कर वो ही रहे हैं। पैरामीटर तो होने ही नहीं चाहिए कि हाँ, पर अगर आप 10 के 10 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अगर 10 लोगों के मॉब में हैं, अगर 4 लोग आपके साथ हैं तो 8 6 लोग आपको नॉन कंसिडर भी कर सकते हैं, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो दैट इज द पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। तो उसने आपकी वृत्ति पे कोई असर नहीं डालना बिल्कुल चाहिए। नहीं रहना चाहिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर उनमें कैपेबिलिटी है और उनको इतना ही लग रहा है, तो वो कॉलेज या स्कूल इंस्टीट्यूशन ड्रॉप करके कहीं और भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो ये सोचती हैं कि मेरे में कमी है और मैं कहीं और अप्लाई करूंगी तो शायद मुझे जॉब ना मिले, तो यहाँ उनका गलत है। जब तक वो ट्राई ही नहीं करेंगे तब तक के बात क्लियर नहीं होगी। और इंस्टीट्यूशन से भी वो जाके खुद का बात कर सकती हैं, खुद के परफॉर्मेंस को कंसिडर करा सकती हैं कि देखिए पिछले पास्ट ईयर्स में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे कि मैं हूँ उतनी क्षमता वाली, तो आप दूसरों को भी ये ट्रस्ट दिला पाएंगे कि ठीक है आप मुझे कंसिडर कीजिए, तो शायद वो चीज़ें इंस्टीट्यूशन तो के ध्यान गाड़ी में जो आ चल रही जाए। है उसको उल्टी दिशा में चलना है, कि जो सेल्फ डाउट है, खुद पे जो शंका ले रहे हैं उसको तो नहीं लेना है, बल्कि खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर जी एक अपने आप पहले में एक खुद अच्छा पे, जी प्रेजेंटेशन करें, उनसे एक खुल के बात करें, खुल के बात करें, तो वो अगर वहाँ से कहीं पे किसी को समस्या नहीं कर उसका कोई हल निकलता हो तो शायद बात बन जाए। जी बिल्कुल। पहले आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, खुद का कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे, तभी तो आप खुद की चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे।
जो आंकड़े हैं उस तरह से ऐसे बताते हैं कि इंटरनेशनल आंकड़े कि हमारी जो महिलाएं हैं खासकर भारत में, उसमें से 87% स्ट्रेस में है और 82% 82% उन्होंने ये कहा कि हम खुद के लिए समय नहीं दे पाते हैं। और शायद ये आंकड़े इसलिए भी हो सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आए सब महिलाओं के आए हैं। हमारी एक गृहिणी हाउसवाइफ ये पूछती हैं कि सर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से मेहनत से लगन से करती हूँ, सुबह उठने से लेकर नाश्ता खाना बनाने से लेकर बच्चों को तैयार करने से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर सास ससुर सेवा से लेकर, लेकिन हमेशा पतिदेव के आने का डर रहता है क्योंकि आने के बाद में हर काम में वो मिनमेक निकालते हैं, बात बात पे मुझ पर गर्म होते हैं, तो एक स्ट्रेस और एक आशंका बनी रहती है। इस स्थिति में मैं क्या करूँ? ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि नॉर्मली सबका रूटीन ऐसे ही हो गया है कि सुबह सुबह उठना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों को देना, हस्बैंड को देना, फैमिली का केयर करना, इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। पर जबकि ऐसा नहीं होता है, हमने अपनी फैमिली को खुद के ऊपर डिपेंडेंट डाल दिया है कि आप हम पे निर्भर रहिए, और फिर उनको अगर हम स्पेस नहीं देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शेयर नहीं देते हैं कि अगर ये काम मैंने किया है तो दूसरे दो काम आपने करना चाहिए, अगर ये शेयरिंग नहीं हुई है, दैट मीन्स तो सारा प्रेशर आपके ऊपर ही है। और कब तक आप उतना प्रेशर ले पाएंगे? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप स्पेस क्रिएट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कीजिए। प्लस ये है कि डाउट करना छोड़िए, खुद को, खुद के लिए टाइम निकालिए। सिर्फ दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे, इसमें आप कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो आप ये हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस या स्वार्थ तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, खुद की केयर करना कौन से एक्सटेंड तक सेल्फ सेंटर्डनेस होता है? आप किसी को डिच करके किसी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप सिर्फ खुद का केयर कर रहे हैं, दिस इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग। तो इसे सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं कहा जाएगा, इट्स गिविंग एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब डिवाइड कर लेंगे, तो फिर ये स्ट्रेस और प्रेशर जो एक वुमेन के ऊपर होता है, ये रिलीज होगा। डिपेंडेंसी मत बनाइए अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद के ऊपर डिपेंडेंट मत कीजिए। हम मान के चलते हैं कि मैं इन सबके लिए जी रही हूँ और उनके लिए मुझे जीना है, जी थोड़ा सा खुद के लिए भी जीना जी सीखें, बिल्कुल। और साथ में जो पतिदेव अपना बाहर का स्ट्रेस अगर ला रहे हो तो उनको हाँ, भी ये सर। ओवरऑल लाइक विशियस साइकिल है ना, ऑफिस का स्ट्रेस घर पे आ रहा है और घर पे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट वुमेन है, तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता ही है। तो आप अपने घर की समय घर पे छोड़ के जाएं और ऑफिस की ऑफिस में छोड़ के जी आए, तो अगर ऑफिस से आप आ रहे हैं तो तरोताजा जाएं तो घर भी उतना ही खुशहाल रहेगा। हाँ, क्योंकि प्रायोरिटीज अलग हैं, ऑफिस का आप घर पे लाके इट्स ऑफ नो यूज। और तकरीबन कई युवा लोगों ने पूछा है जो दंपत्ति हैं कि मैम हमने ये सुना है कि जो बच्चों का स्वभाव होता है वो जन्म से तय होता है या उनको जिस तरह की परवरिश दी जाती है, तो उनको इस तरह का नेगेटिव नकारात्मक वातावरण नहीं मिले, इस विषय में आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे? कंपैरिजन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि पहले भी, कंपेयर करना इज़ वेरी बैड। अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े होके रूड हो जाते हैं या बड़े होके बहुत स्ट्रेस्ड आउट और इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, आपकी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फॉल्ट रहा होगा कि आप जिसके दूसरों से वजह ऐसे से, कंपेयर करते हैं हाँ कि वो तेरे से इतना अच्छा है तू उतना क्यों जी, नहीं है? एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे तो इंग्लिश में अगर 75% ला रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप ये कंपेयर करते हैं कि नेबर के बच्चे ने 85 क्यों लाए। यहाँ ये होता है कि डाउट करने लगेगा बच्चा खुद को कि शायद मैंने इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी मेरे 75 आए, तो रूट कॉज ही डाउटिंग से शुरू होगा। तो आगे चल के आप सोचिए कि उसका एक मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ तक रहेगा, तो भी वो खुद फिर की वो सेल्फ अपने ब्लेमिंग, सेल्फ डाउटिंग आगे बढ़ते ही जाएगा। फिर शायद कॉलेज में वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करे ये सोच के कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कम से कम पड़ोसी की तुलना में तो नहीं हूँ, जी तो जिस तरह के नेगेटिव वातावरण ने पला बढ़ा तो नेगेटिव उसके अंदर घर कर गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसा अपब्रिंगिंग रहता है। पॉजिटिविटी हम अल्टरनेटिव नहीं देते हैं बच्चों को कि ठीक है, अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं पर आपने मराठी और हिंदी में अच्छा स्कोर किया है, तो कंपैरिजन में हम उसको अप्रिशिएट करें। रिवॉर्ड वाला चीज़ हम नहीं रहते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ मिस्टेक निकले, कहाँ क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसिज्म और मिस्टेक निकालना बहुत ईजी हो गया है आज के स्टेट में, और रिवॉर्डिंग बहुत कम है, जबकि वो ज़्यादा होनी ज़्यादा चाहिए। होनी चाहिए।
और दूसरा बच्चे जो सीखते हैं तो अपने पालकों को देख के भी सीखते हैं, अगर जी पालक बिल्कुल छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो जाते हैं तो बच्चे भी रिएक्शन सीखेंगे। जी, अगर आप छोटी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, छोटी बात पे वॉयलेंट हो रहे हैं, तो बच्चे अडॉप्ट करेंगे ही, और निगेटिव चीज़ें तो पहले ही अडॉप्ट हो जाती हैं, पॉजिटिविटी को बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कहा जाए सत्य बोलो, कहीं ऐसे नहीं कि झूठ बंद बोलो करके, कि जी 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 लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलने में ज़्यादा उनको तो आसानी होती। सीखेगा बच्चा भी, वो ही सीखेगा फिर। मैं बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में चल रही है और अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं। तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने पूछा है कि जिस तरह से हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की, व्यायाम की, ये सब ज़रूरतें हम लोगों को समझाते हैं, अपने लिए करते हैं, तो हमारे मेंटल स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मेंटल फूड किस तरह से अच्छा होना ये चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है, कि हम शरीर का तो ध्यान देते ही हैं, बिल्कुल हमें भूख लगती है तो हम प्रॉपर टाइम पे खाना खाते हैं, जूस चॉकलेट्स जो भी अच्छा लगता है वो लेते हैं, पर हम माइंड के लिए कौन सा फूड दे रहे हैं? माइंड को भी पोषण की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, और उसे हम कम्प्लीटली निग्लेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने आसपास पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट रखें, वॉक पे जाएं, ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, प्लस निगेटिविटी को जितने एक्सटेंड तक दूर रख सकते हैं हम उतना इसको दूर खोल के रखें। बताइए, मैम बोलने में सुनने बड़ा आसान, जी नेगेटिविटी दूर हाँ रखे, पर जब आदमी परेशानी में हो तो सब उसको नेगेटिव जी ही बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल, पर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कैसा होता है, कि एक निगेटिव थॉट आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे कि निगेटिव थॉट जाए? कोई ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं कि बटन प्रेस कर दिया और वो थॉट इरेज निकल हो जाए गया, कंप्यूटर तो है नहीं, तो आपको ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक दिन का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये एक दिन का काम नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये धारणा निकाल दे कि जी इम्पॉसिबल जी नहीं है, और अगर आपने इम्पॉसिबल नहीं है ठान लिया तो आप इसको कर जी, अगर सकते आपका हैं। विल पावर है कि मुझे निगेटिविटी से दूर रहना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप, अगर नेगेटिव थॉट शुरू हो रहा है तो आप कॉन्शियस और अवेयर रहिए कि कहीं ना कहीं माइंड मेरा नेगेटिविटी में जा रहा है, इतना तो समझ में आ ही जाता है। तो आप डिस्ट्रैक्ट कीजिए खुद को, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो टाइम पे आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अलग उठ कर जाइए दीजिए, अलग कर एटलीस्ट दीजिए। फॉर 5 मिनट्स। आप वर्किंग प्लेस पे हैं, कुछ हैं, तो पानी पीने के ही बहाने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर टाइम बीइंग आप हिल जाएंगे वो नेगेटिव थॉट से, प्लस ये होगा कि वो 5 मिनट्स के बाद आप अवेयर हो जाएंगे कि अब नेगेटिव थॉट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप स्टॉप वाला बटन आप खुद में सेट कर लीजिए कि मुझे स्टॉप बोलना है तो नेगेटिव थॉट्स को रुकना ही चाहिए। अब मेरी आप तरफ बोलेंगे आप बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल तो होता नहीं है, अपने हाथ में कोई बटन तो है नहीं। नहीं, तो देखिए अभी जनरली मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कि अगर छोटा सा टॉडलर है, बच्चा है, वो कुछ मस्ती कर रहा है और आपको पता है कि कुछ वो ऊंचा चढ़ेगा तो उसे लग जाएगी, तो आप एक बार उसे मना करेंगे, दो बार मना करेंगे, पर बच्चा है नहीं मानेगा कहना, तो आप उसे एक बार तो डांट ही देंगे कि बेटा नीचे उतर जाओ, थोड़ा हार्श जोर से वॉइस बोलें में, ठीक है? अब आपका माइंड भी एक चाइल्ड के जैसा ही है, वैसे ही आपको ट्रीट करना है। वो एक टाइम पे आपका बात नहीं सुनेगा, आप दो टाइम बोलेंगे शायद नहीं सुनेगा, आपको कहीं ना कहीं तो हार्श होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा नाउ स्टॉप। अपने एक अंदर एक कठोरता हाँ लानी कंट्रोल पड़ेगी। बटन जो है वो एक लाना पड़ेगा, और वो कंट्रोल बटन एक दिन में सेट नहीं होगा, इसकी सेटिंग डिफिकल्ट है, तो इसकी सेटिंग होते होते होगी, और विद इन 10-15 डेज आपका कंट्रोल बटन आपके प्रैक्टिस हाथ से आ में रहेगा, जाएगा वो। बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा। ये चीज़ करते करते होगी। डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्ट, आप म्यूज़िक सुनिए, कुछ रीड करने लग जाइए, पर जो वर्क आप कर रहे हैं उस टाइम से आप एटलीस्ट 5-10 मिनट्स के लिए तो डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है, वो चेन को ब्रेक करने के लिए। पॉजिटिविटी कैसे निर्माण करें? आपने नेगेटिविटी से दूर जाने की बात तो बता दी, जी पर पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे निर्माण करें? पॉजिटिविटी ऐसे आ सकती है कि आपका लाइफ का कुछ पर्पस रहना चाहिए, वेगली आपने भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, पर्पसफुल लाइफ से ही पॉजिटिविटी आएगी, कि आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से और क्या चाहना, कहाँ क्या अचीव करना चाहते हैं। आज अगर आप यहाँ हैं तो आप 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? आप अगर एक टारगेट और गोल सेट करेंगे तो आपका लाइफ का कुछ पर्पस बनेगा, और आप उसी कंसिस्टेंसी में और उसी रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, पर उसी तरफ आप वो एक अपना लक्ष्य भी बना के लक्ष्य चलिए, बनाएंगे। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से उस हाँ, पर तो काम करते आपका रहिए। ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें करने लगेंगे जो आप एक्चुअली चाहते हैं,
रादर देन कि वो चीज़ें जो बाकी लोग आपसे करवाना चाहते हैं। तो जब आपकी सेल्फ डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है कि आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो आप एक्चुअली चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिव आती है चीज़ें तो एनर्जी भी डेवलप होती है और एंथुजियाज्म भी बना रहता है काम करने में, और एक्साइटमेंट आता है। ये आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज़ लोग कर सकते हैं कि डायरी मेंटेन करना खुद की। डायरी में यह है कि आपने दिन भर में क्या किया वो आप लिखें, कहाँ आप इरिटेबल हुए, कहाँ अपसेट फील हुए, कहाँ आपको बहुत बुरा लगा, कहाँ चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, हैप्पी लगी, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करें तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं अपसेट होने में और इरिटेट होने में। तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, उन चीज़ों को कैसे समझाया जाए, कैसे सल्यूशन निकाला जाए वो कर सकते हैं। और फिर आप ये भी कंसिडर करेंगे कि कहाँ आप खुश हुए हैं, तो फिर आप वो चीज़ें ज़्यादा करें जो आपको हैप्पीनेस देती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है स्ट्रेसर का जो कारण है, स्ट्रेसर अगर आप उसको खोज लेते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी कुछ तो स्ट्रेस अपने आप ही निकल जाएगा। जी, स्ट्रेस का एक ये चीज़ होता है, आइदर यू फाइट विथ इट और फ्लाइट, दो ही होते हैं, बीच का कोई मिडवे नहीं होता। तो जनरली यही टेंड करते हैं कि हम अवॉइड कर देते हैं, हम फ्लाइट वाला ऑप्शन ले लेते हैं कि बस बाहर निकलना है इससे। उसमें रह के कैसे उसका सल्यूशन निकाला जाए ये हम बहुत कम करते हैं। अगर हम अवेयर रहें, अपने थॉट्स से अवेयर रहें, अपने कंसर्न से अवेयर रहें, तो हम फाइट वाला सल्यूशन लेके उससे प्रॉपरली कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि दार्शनिकों को ऐसा कहना है कि हम समस्या वाले भाग पर देखते हैं, हम समाधान वाला भाग नहीं जी, देखते। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ताला बना है तो निश्चित रूप से चाबी तो बनी होगी। और इजी वे ढूंढते हैं हम कि कैसा बहुत आसानी से हो जाए, मिरेकल हो जाए, कि सडनली सिचुएशन बदल जाए और मैं फ्री हो जाऊं, तो ये भी संभव नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उतना हमारे में धीरज भी होना चाहिए, पेशेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए, और उसके तरफ हमने सतत कोशिश करते रहने चाहिए कि हम उसका सोल्यूशन निकाल पाए। जी बिल्कुल, और कोशिश करें कि हम लोग खुश हों करके। हाँ, वो एक बहुत पुरानी सेइंग है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, जब तक आप नहीं तब तक। जी, कि अगर आप 20 बार हथौड़ी मारे पत्थर नहीं टूटा, किसने 21 बार मार दिया तो उसकी एक चोट से नहीं, आपके 20 बार से कमजोर से हुआ है। जी जी, तो अगर आपने 21 बार मारी हो तो शायद आप ही से टूट जाता। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा, तनाव से कैसे बचें और तनाव पर उपाय। डॉक्टर शिल्पा जी हरवाणी ने हमें इस विषय में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जो हम कर सकते हैं, हमें करने चाहिए, ये टिप्स दिए हैं। हमारे सभी दर्शकों का जो हमको रिस्पॉन्स और प्रतिसाद मिला, इससे दिल निश्चित रूप से भर आया है। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप अपनी कौन से विषय पर आप चर्चा चाहते हैं हमें लिख भेजिए, या आप किसी विशिष्ट विशेषज्ञ को यहाँ बुलाना चाहते हैं तो हमें अवगत कराइए, हम हमारी पूरी तरह से कोशिश करेंगे विषय या विशेषज्ञों का आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। समय की सीमा को देखते हुए चर्चा को विराम देना जरूरी है, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर भेंट होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों के उज्जवल भविष्य और आने वाले कल की मंगलमय कामना को हमेशा से प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर शिल्पा मैडम, इतने रोचक विषय भी इतने आसान और प्रैक्टिकल तरीके से आपने मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।